बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़ीज़ तुलबा, अस्सलाम अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायत। इससे पहले हमने पढ़ा नसू और सलीम की गुफ्तगू, जिसमें मियां नसू को अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर बड़ा अफसोस होता है और वह अपनी ख़ानदान की जो इस्लाह का इरादा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायत। पंचायत जो इसमें पंचायत सालसी कमेटी को कहते हैं। अब सालसी कमेटी लफ्ज़ सालस से निकला है। सालस क्या है? सालस तीसरे शख्स को कहते हैं, यानी दो फरीकैन का जो फैसला है, जो तीसरा फरीक कर दे उसको सालस, और इस कमेटी को सालसी कमेटी कहते हैं। इसमें मुमन पांच लोग शामिल होते हैं। पांच में से तीन लोग जिस फरीक के हक में फैसला दें वो फैसला माना जाता है, और अमूमन ये तीन अफराद पर भी मुश्मिल होती है, और तीन में से दो लोग जो फैसला कर दें, जिस फरीक के हक में फैसला कर दें, उसको फैसला हतमी फैसला माना जाता है। सबक पंचायत में मुसन्निफ हमें बताना चाह रहे हैं कि जो शख्स भी मसनद इंसाफ पे बैठता है ना, उसकी नज़र में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता, बल्कि उसकी ज़ुबान से हक निकलता है। क्योंकि जो एक सालस मुकर्रर किया जाता है, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जवाब देना होता है। इसलिए जो भी शख्स मसनद इंसाफ पे बैठता है, उसकी ज़ुबान से हमेशा हक निकलता है। खुलासे की तरफ जाने से पहले हम अज़ीज़ तुलबा बात करेंगे मुसन्निफ़ के तारुफ की। सबक पंचायत के मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। इनका असल नाम है वो धम्पत राय था, बनारस में पैदा हुए। इनकी जो वालदा थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और धम्पत राय की अभी उम्र कम ही थी, 13 साल की उम्र थी, और इनकी शादी भी कर दी गई। जो इनके माली हालात थे वो बहुत इनके माली हालात जो थे वो इनका गुजारा जो बड़ी मुश्किल से हो रहा था, और इन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर जो है अपना गुजारा किया, और फिर प्राइवेट तौर पर एफए बीए और फिर डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल मुकर्रर हो गए। अज़ीज़ तुलबा, इनकी बहुत सी तासानीफ़ हैं, इन्होंने बहुत से अफसाने और नावल भी लिखे। यहाँ हम दो अफसानों का जिक्र करेंगे, जिसमें सोज़े वतन और ख्वाबो ख्याल। सोज़े वतन इनका एक बहुत ही अहम अफसाना है, जिसमें वतन की मोहब्बत के बारे में इन्होंने लिखा है, और इसमें 4 से 5 कहानियाँ लिखी गई थीं। और ख्वाबो ख्याल, इन्होंने ख्वाबो ख्याल के बारे में लिखा, और जो इनका नावल है वो बुज़ारे हुसन और मदाने अमल हैं। ये इनका बहुत ही मशहूर जो नावल है बुज़ारे हुसन, हुसन बाज़ार का, यानी ये एक ऐसा नावल था जिसमें ख़ास तौर पर हिंदू औरतों का जो समाज है उसके बारे में इन्होंने बात की है। यानी शहरी ज़िंदगी की माशर्ती जो बुराइयां हैं उनको ये सामने लेके आए हैं। और जो इनका दूसरा नावल था मदाने अमल, ये भी बहुत इनका अहम नावल है। ये ख़ास तौर पर इन्होंने जो नौजवान हैं, जो मज़दूर हैं, जो काश्तकार हैं, उनका आज़ादी के लिए, वतन की आज़ादी के लिए जो उनके जज्बात हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा। तो ये था
अज़ीज़ सुलबा मुसन्निफ़ का तारफ़ और उनकी तसानीफ़ के बारे में। अब बात करते हैं हम पंचायत की। पंचायत का खुलासा स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे हम, मेन जो अहम करदार हैं उनकी बात करेंगे, ताकि जो खुलासे के अंदर बात होगी आपको बात को समझने में बहुत आसानी पैदा होगी। इसमें पहली बात बेटे ये है अलगू चौधरी, जो एक चौधरी हैं, और दूसरा जुम्मन शेख, ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जो तीसरा करदार है वो है समझू सेठ, और उसके बाद जो चौथा करदार है वो समझू सेठ की बीवी फहमीन हैं। और इन चार के अलावा पांचवा जो करदार है वो शेख जुमेराती का है, जो के जुमन शेख के वाले साहिब हैं। और इसके अलावा दो लोगों का और ज़िक्र किया गया है, जिसमें राम दहन का ज़िक्र किया गया है। इनका ज़िक्र इसलिए किया गया है कि ये भी पंचायत यानी सालसी कमेटी में शामिल थे, और ये अलगू चौधरी के दोस्त थे। और जो नाम एक एंड पे हमने करदार इस्तेमाल किया है वो है गौदर शाह, जो कि जुम्मन शेख की जो खाला का जो मामला था उसको हल करवाने में, जो बाद में इनका मसला बन गया अलगू चौधरी के साथ समझू सेठ की बीवी फहमीन, ये जो बीवी फहमीन हैं उनके रिश्तेदार हैं। अब ये कुछ मेन करदार थे जो आपको बताए हैं। अब देखते हैं खलासे में, जब इन करदारों की आपको समझ आ जाएगी तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी। जी अज़ीज़ सुलबा, देखते हैं कि मुसन्निफ़ हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हमें समझाना चाह रहे हैं, असल इस कहानी का मकसद क्या था, क्या बात थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे ये बहुत अच्छे, बहुत गहरे क्या थे, दोस्त थे। और जो इनकी खेती बाड़ी थी वो भी मुश्तरक थी, यानी मिल के ये खेती बाड़ी का काम करते थे। और इन दोनों को क्या था, इन दोनों को बहुत इत्माद था, किस पर, एक दूसरे पर, यानी कौन एक दूसरा, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, इन दोनों को एक दूसरे पर बहुत अतमाद था। और अगर कभी जुम्मन शेख घर से बाहर जाते तो वो अलगू चौधरी को अपने घर की जिम्मेदारी दे जाते, और अगर कभी अलगू चौधरी को कहीं जाना पड़ता तो वो शेख जुम्मन को अपने घर की जिम्मेदारी दे के बेफिक्र होकर चले जाते थे। अब हुआ क्या, शेख जुम्मन की एक खाला थी, और जो खाला थी वो बूढ़ी थी यानी ज़ईफ़ुल उम्र थी, और खाला की एक बदकिस्मती भी थी। खाला की बदकिस्मती क्या थी कि खाला की कोई औलाद नहीं थी, और जब खाला की कोई औलाद नहीं थी तो फिर उनका कोई वारस भी नहीं था। जब उनका कोई वारस नहीं था तो फिर खाला क्या करती थी, खाला जुम्मन शेख के घर पे रहा करती थी, क्योंकि वो जुम्मन शेख की खाला थी। तो जुम्मन शेख ने क्या किया, उसने धोखे के साथ खाला की जो जायदाद थी वो अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली, यानी जो खाला के नाम की रजिस्ट्री थी उसका इंतकाल है अपने नाम पे करवा लिया, रजिस्ट्री यानी जो ज़मीन थी वो अपने नाम पर मुंतकल करवा ली। और खाला को उन्होंने बहुत इत्मीनान से कहा, उसने कहा खाला आप बेफिक्र हैं, जब तक ताहिने हयात, जब तक आप जिंदा हैं, आपका खाना पीना, आपके जितने भी अखराजात होंगे, जितने भी आपकी ज़िंदगी के मामलात होंगे वो मैं पूरे करूंगा। और खाला को उसने अपनी बातों में ले लिया और धोखे से सब की सब जितनी भी जायदाद थी उसको अपने नाम पर करवा लिया। जो ही रजिस्ट्री जो है वो जुम्मन शेख के नाम पर हुई तो जुम्मन शेख ने अपना जो तौर तरीका था खाला के साथ वो बदल लिया, और उसके साथ ही जो बीवी थी किसकी, जुम्मन शेख की, उसका नाम था फहमीन, उसने क्या किया, फहमीन ने खाला पर ज्यादतियाँ शुरू कर दी, ज्यादती नहीं ज्यादतियाँ शुरू कर दी। तो क्या किया उन्होंने,
उन्होंने जो सालन की मकदार है वो रोटियों से कम कर दी, यानी रोटियां ज़्यादा देना शुरू कर दी और सालन कम देना शुरू कर दिया। इस पर खाला ने क्या किया, खाला आकर दिल बर्दाश्ता हो गई, यानी ये बात उनके दिल से बर्दाश्त नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया है, जो खाला है क्या करती हैं, शिकायत करती हैं किसे, जुम्मन शेख से। और जुम्मन क्या करता है, वो ध्यान ही नहीं देता किस बात पे, जो खाला शिकायत करती हैं। अब खाला ने मुतालबा किया, जब देखे ना कि खाला को रोटियां ज़्यादा दे दी गई और सालन कम दे दिया गया, फिर उन्होंने जुम्मन शेख से कहा कि आपकी बीवी का रवैया मेरे साथ ये है, तो जुम्मन शेख ने इस बात पर ध्यान ही नहीं किया। जब उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं किया तो खाला ने मुतालबा कर दिया है। अब खाला ने मुतालबा क्या किया है, खाला ने कहा मुझे आप रुपए दे दो। रुपए किस लिए देने हैं, कि मैं खुद पका लूँगी क्या खाना, ताकि मैं पेट भर के खाना खा सकूँ, अच्छे अंदाज में खाना खा सकूँ। ये बात सुनकर जुम्मन ने बहुत ही लापरवाही के साथ जवाब दिया, कहते हैं मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको पैसे दे दूं। जबकि जब तक रजिस्ट्री जुम्मन शेख के नाम पे नहीं हुई थी, उसने खाला को बहुत मुतमीन किया हुआ था कि मैं आपको हर चीज़ मुहैया करूँगा। और यहाँ पे पहले तो उसने खाना कम दिया, और फिर जब खाला ने मुतालबा किया है तो फिर उसने उसको पैसे देने से भी इनकार कर दिया। अब खाला बेचारी क्या करे, खाला ने ये बात सुनकर धमकी दी, किसको, जुम्मन शेख को। क्या धमकी देती हैं, वो कहती हैं कि मैं पंचायत इकट्ठी करूंगी, किस लिए, कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो खाला क्या करती हैं, खाला घर घर जाती हैं, लेकिन खाला की कोई फरियाद नहीं सुनता। तो अजीज सुलबा ये बात देखें कि खाला की अब फरियाद कोई क्यों नहीं सुनता, खाला की फरियाद इसलिए नहीं सुनी जाती कि जो जुम्मन शेख थे उनका जो असर सुरूख है वो इलाके में बहुत ज़्यादा था, और कोई भी जुम्मन शेख के ख़िलाफ़ बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार क्या हुआ, खाला की बात सुनने के लिए अलगू चौधरी जो हैं वो तैयार हो गए। और फिर एक शाम दरख्त के नीचे सब लोग जमा हो गए, और खाला ने क्या किया, खाला ने सबको अपनी कहानी सुनाई। जो सालसी चुना गया, सालस चुना गया, इंसाफ करने के लिए जो शख्स चुना गया, जिसका इंतखाब किया गया, जो मसनद इंसाफ पे बैठ गया, किसके खिलाफ, जुम्मन शेख के खिलाफ, ताकि वो बात सुन सके जुम्मन शेख की और खाला की, तो वो था अलगू। और देखें अजीज सुलबा, अलगू और जुम्मन शेख दोनों आपस में दोस्त थे, जो हमने शुरू में बात की थी कि शेख जुम्मन और अलगू चौधरी बहुत गहरे दोस्त थे। और यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि सालस भी कौन चुना गया है, जो उसका दोस्त था। जुम्मन शेख ने इस बात को तस्लीम कर लिया, उसने कहा ये मेरे दोस्त हैं, मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे, लिहाजा जो अलगू चौधरी थे वो क्या थे, वो एक कानूनी आदमी थे। और दोनों के बयानात सुने, दोनों के बयानात, किन दोनों के बयानात, यानी बूढ़ी खाला के और जुम्मन शेख के, उन्होंने बयानात सुने और फैसला दे दिया। और क्या किया, फैसला दे दिया है, क्या फैसला दिया है, उसने खाला के हक में फैसला दे दिया है। जब खाला के हक में फैसला दे दिया है तो जुम्मन चौधरी हैं जो अलगू से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए, क्योंकि जुम्मन शेख समझते थे कि अलगू चौधरी उनके दोस्त हैं और उनको उम्मीद ना थी कि उनके खिलाफ फैसला होगा। लेकिन जब इंसाफ की मसनद पे जो शख्स बैठ जाए वो दोस्त और दुश्मन नहीं देखता। उन्होंने देखा है कि जुम्मन शेख की बात भी सुनी है, खाला की बात भी सुनी है, तो जो सच्चा था उसके हक में फैसला दे दिया। फैसला तो हो गया, लेकिन इस फैसले ने जो बुनियाद थी ना, किस चीज़ की बुनियाद, दोस्ती की बुनियाद थी, उसको हिला के रख दिया। और दोनों सख्त मुखालफ हो गए, कौन दोनों, शेख जुम्मन और अलगू चौधरी। सख्त मुखालफ क्यों हुए, कि वो दोस्त थे और अलगू चौधरी ने फैसला जुम्मन के ख़िलाफ़ किया और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए। अब
जुम्मन शेख मौके की तलाश में था कि मैं बदला लूँ किससे, अलगू चौधरी से। किस चीज़ का बदला, कि अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के हक में फैसला क्यों नहीं दिया, इसलिए जुम्मन शेख बदला लेना चाहते थे। जल्द ही वो वक़्त आ गया। कैसा वक़्त आ गया कि एक साल पहले अलगू चौधरी दो बैल ले गए, यानी अलगू चौधरी जो थे उनको बैल की ज़रूरत थी, वो मेले पे गए और वहाँ से अच्छी नस्ल के दो एक ही बड़े खूबसूरत से बैल लेके आए। जो बैल लेके आए ना, तो पंचायत के एक माह बाद जो है एक बैल मर गया, तो एक बाकी रह गया। तो अलगू चौधरी ने सोचा कि अब एक बैल का मैं क्या करूँगा, तो उसने उस बैल को फरोख्त करने का इरादा कर लिया है और वो दे देते हैं संजू सेठ को। मेले से अलगू चौधरी हैं जो बैल लेके आए थे, तो पंचायत के एक माह बाद बैल जो है वो मर गया और दूसरा उन्होंने संजू सेठ को दे दिया, और दिया भी कैसे है, उधार। कहा क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लिहाजा तुम इससे पैसे कमाओ और मुझे पैसे एक माह बाद दे देना। संजू सेठ क्या करते, संजू सेठ गांव से गुड़ और घी जो है लेके शहर जाते और वहां से नमक और तेल लेकर वापस गांव में आ जाते। कहां से, मंडी से। तो क्या करते, संजू सेठ एक दिन में कई कई चक्कर लगाते और उस बैल पर बहुत ज़्यादा वज़न ला देते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वज़न डाला और जो बैल है वो भूखा था, वज़न का जो वज़न था वो भी बहुत ज़्यादा था, और गिरने के बाद जो बैल है वो उठने की उसमें हिम्मत ना रही। तो फिर क्या होता है, संजू सेठ वहाँ पे रात उन्होंने गुजारी, उनके पास सामान भी बहुत ज़्यादा था, उनका जो घी है वो भी उसके टीन ओपन हो गया, वो बिखर गया। जो संजू सेठ के पास कुछ पैसे भी थे, रात उन्होंने वहाँ पे गुजारी, जब सुबह उठते हैं तो उनका बहुत सा सामान गायब हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही परेशानी के आलम में अपने घर पर आते हैं। जब घर पर आते हैं तो बीवी और जो संजू सेठ हैं वो मिल के बहुत हंगामा करते हैं। जी बेटे, यहाँ पे थे हम कि समझू सेठ के पास रुपए भी थे और रात उनके पास सामान भी था, उनका कुछ सामान जो है वो गायब हो गया, वो परेशानी के आलम में उन्होंने बहुत हंगामा किया। तो अलगू चौधरी ने मुतालबा किया कि आप ऐसा करें, हंगामा मत करें, मुझे मेरे पैसे दें। तो दोनों, कौन दोनों, समझू सेठ और उसकी बीवी, बीवी का नाम फहमीन, जो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बहुत बहसो तकरार की, किसके साथ, अलगू चौधरी के साथ बहसो तकरार, क्योंकि अलगू चौधरी ने बैल के पैसे मांगे। तो समझू सेठ और उसकी बीवी ने बहुत बहस की और उन्होंने कहा कि आपने हमने बीमार बैल दिया था जिसकी वजह से वो मर गया है और हम आपको पैसे नहीं देने वाले। बहसो तकरार के बाद बात फिर पंचायत पे आ गई, पंचायत पे बात आ गई तो क्या हुआ, इस दफ़ा जुम्मन शेख को सालस मुकर्रर किया गया। अजीज सुलबा देखिएगा कि जब बात थी खाला की और जुम्मन शेख की, उस वक़्त सालस मुकर्रर किया गया अलगू चौधरी को, और जब झगड़ा हुआ है अलगू चौधरी का और समझू सेठ का, फिर सालस मुकर्रर किया गया है जुम्मन शेख को। और यहाँ पे बेटे एक बात आपसे, जो आपसे शेयर करना बहुत अहम है, वो बात ये है कि जिस वक़्त सालस मुकर्रर किया गया था अलगू चौधरी को, उस वक़्त अलगू चौधरी और जुम्मन आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। देखना ये है कि जब इन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी तो तब अलगू चौधरी ने क्या फैसला किया, लेकिन अब जब सालस मुकर्रर किया गया जुम्मन शेख को, अब अलगू चौधरी और जुम्मन शेख आपस में दुश्मन हैं। अब देखते हैं कि पहले दोस्त ने दोस्त के बारे में जो फैसला किया वो क्या किया, और अब दोस्त ने दुश्मन के खिलाफ जो फैसला किया है वो क्या किया। पंचायत में जुम्मन शेख को सालस मुकर्रर कर दिया गया। अलगू चौधरी बहुत परेशान हुए, परेशान वो क्यों हुए, इसलिए परेशान हुए कि जुम्मन उसका मुखालिफ है और फैसला अलगू के हक में नहीं देगा, इस बात पे परेशान थे। तो क्या किया, जब जुम्मन शेख ने फैसला दिया तो फैसला अलगू के हक में दे दिया, और फिर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी आपस में गले लिपट पड़े। और उसने कहा, किसने, जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी से कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन मुझे ये सबक मिला है कि मसनद इंसाफ पर कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता,
जुम्मन की बात सुनकर अलगू का दिल भर आया कि तुमने इतनी अच्छी बात की है। दोनों के दिल साफ हो गए और वो फिर से बहुत गहरे दोस्त बन गए। अजीज़ुल्बा, जैसा कि सबके आवाज़ में हमने बात की थी कि मसंद इंसाफ पे बैठकर ये नहीं देखा जाता कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, बल्कि जो भी मसंद इंसाफ पे बैठता है वो उसके मुंह से हक निकलता है। यहाँ पे मुसनफ हमें बताना चाह रहे हैं कि जब अलगू चौधरी और जुम्मन शेख आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, उस वक्त अलगू चौधरी ने जो फैसला किया वो बूढ़ी खाला के हक में दिया, जबकि जुम्मन शेख उसका दोस्त था। लेकिन जब जुम्मन शेख को सालस मुकर्रर किया गया तो उस वक़्त जुम्मन शेख और अलगू चौधरी आपस में दुश्मन थे, और जुम्मन शेख ने फिर वही फैसला किया जो हक और सच पर मबनी था। तो इससे बेटा ये बात ज़ाहर होती है कि जो भी शख्स मसंद इंसाफ पे बैठता है, जिसको भी सालस मुकर्रर किया जाता है, वो ये नहीं देखता कि उसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन है, बल्कि हक और सच की बुनियाद पे वो फैसला करता है, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा जो आज का टॉपिक था पंचायत, इसकी समझ आ गई होगी। तो बेटे, आपने इसको बहुत अच्छे अंदाज में घर जाके 5 से 7 दफ़ा 8 दफ़ा आपने बिल्कुल अपना जो ध्यान है वो किताब के ऊपर आकर इसको अच्छे अंदाज में पढ़ना है, फिर इसको लिख के देखना है, और इंशाल्लाह इस तरह आपको बारह हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर।